चलिए आज हम लोग सीखेंगे डीप फ्रीजर के बारे में जानेंगे। देखिए डीप फ्रीजर क्या होता है, यह है डीप फ्रीजर और डीप फ्रीजर का कार्य होता है ठंडा करना। और डीप फ्रीजर के बारे में आज हम सीखेंगे इसके मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सभी पार्टों को पूरा फाइनल कंप्लीट समझेंगे कि डीप फ्रीजर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कैसे वो कार्य करते हैं, इसके अंदर क्या लगा होता है, कौन से मैकेनिकल सिस्टम होते हैं, कौन से इलेक्ट्रिकल सिस्टम होते हैं, उन सबके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। तो देखिए ये हमारा डीप फ्रीजर है, इसके अंदर अगर बात करें हम टोटल अंदर की चीजों को दिखाएंगे, इसके सारे इलेक्ट्रिक पार्टों को दिखाएंगे। उससे पहले एक बार हम इसको डायग्राम के द्वारा पहले डायग्राम से समझेंगे और अगर उसके डायग्राम को हम बढ़िया से समझ पाएंगे उसके बाद अगर हम फ्रीजर को समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम डीप फ्रीजर को आपको सबसे पहले डायग्राम पे लेके चलते हैं और वहां पर आपको दिखाएंगे कि इसका जो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल सिस्टम है वो डायग्राम पे कैसे काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें डीप फ्रीजर के मैकेनिकल सिस्टम के बारे में। मैकेनिकल सिस्टम का मतलब ये होता है कि डीप फ्रीजर के जिन जिन भागों में गैस का संचार होता है उसे मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले हम उसके मैकेनिकल सिस्टम को समझते हैं कि जो हमारा फ्रीजर होता है उसके मैकेनिकल सिस्टम कौन कौन से होते हैं, कहाँ पे लगे होते हैं, कैसे कार्य करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक डीप फ्रीजर का रूप थोड़ा सा ये मॉडल बनाया हुआ है या बॉडी उसकी है। अभी इसके अंदर कोई पार्ट नहीं बनाया कि कंप्रेसर कहाँ पे है, कंडेंसर कहाँ पे है। लेकिन अगर बात करें तो जो डीप फ्रीजर होता है ना, जैसे हमारी फ्रिज ठंडा करती है फ्रीजर भी ठंडा करता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या है कि फ्रिज हमारे कम स्थान को ठंडा करती है, मतलब कम सामान को ठंडा करती है, लेकिन फ्रीजर उसी का एक बड़ा रूप है। ज्यादा सामान को एक साथ ठंडा करने के लिए हम फ्रीजर का यूज करते हैं, यानी अधिक सामान को एक साथ ठंडा करने के लिए हम डीप फ्रीजर का यूज करते हैं। तो देखिए जिस प्रकार से सब में पहला एक महत्वपूर्ण भाग होता है कंप्रेसर ना, उसी प्रकार से फ्रीजर के अंदर भी एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है कंप्रेसर। ये जो कंप्रेसर है वो फ्रिज वाला कंप्रेसर भी हो सकता है, मतलब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर भी हो सकता है जो फ्रिज में लगता है, या फिर जो वाटर कूलर में हमने बताया था आपको सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर वो भी हो सकता है। यानी या तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होगा या सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर होगा। मतलब दोनों में क्या डिफरेंट है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ये जो है ये छोटे सिस्टमों में प्रयोग किया जाता है। मतलब ये जो फ्रीजर आते हैं ना ये भी छोटे और बड़े आते हैं। तो अगर छोटे साइज वाला है तो रेसिप्रोकेटिंग लगेगा, बड़े साइज वाला है सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर लगेगा, बड़ा कंप्रेसर लगेगा। तो इसमें कोई भी कंप्रेसर हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए छोटे सिस्टम वाला बड़े सिस्टम वाला कोई भी हो, उसके कंप्रेसर से तीन लाइनें निकली होती हैं, जिसमें एक लाइन का नाम होता है सक्शन लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं सक्शन लाइन, और एक लाइन का नाम होता है इसमें डिस्चार्ज लाइन, और एक लाइन का नाम होता है इसमें चार्जिंग लाइन। सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और चार्जिंग लाइन, ये हो गया कंप्रेसर। कंप्रेसर का ये डिस्चार्ज लाइन है और यहां से गैस निकल के कहां जाती है, दूसरा भाग इसमें भी लगा होता है, क्या लगा होता है, जिसका नाम होता है कंडेंसर। क्या लगा होता है, कंडेंसर। ये कंडेंसर होता है, देखिए ये कंडेंसर, कंडेंसर जो इसमें लगता है वो लगता है फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर। कौन सा, फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर, मतलब फिन्स और ट्यूब से मिलकर बना हुआ कंडेंसर फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर कहलाता है। ट्यूब का मतलब जानते हैं ना, पाइप होता है, कोई भी पाइप हो ना हम उसको ट्यूब बोल सकते हैं। तो इसमें ऐसे ऐसे पाइपें गई होती हैं, ऐसे ऐसे पाइपें गई होती हैं, ये जो पाइपें होती हैं इसको हम ट्यूब बोलते हैं। और इस पाइपों के ऊपर ऐसे एल्यूमिनियम का लगा होता है, अभी हम आपको प्रैक्टिकली भी दिखाते हैं, ऐसे एल्यूमिनियम का लगा होता है, इसको हम फिन्स बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के इसको हम बोलते हैं फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर, यानी कि फिन्स और ट्यूब से मिलकर बना हुआ कंडेंसर फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर कहलाता है। यहां पर देखिए ये हमारा हो गया फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर। अभी देखिए यहां पर ये पाइप निकली होती है, एक इधर से आउट और ऊपर से इन। जब भी किसी सिस्टम में गैस इन होती है ना तो ऊपर से इन होती है, क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे घूमते आने में आसानी होती है। कोई पानी और नीचे से ऊपर चढ़ाएंगे तो मेहनत लगती है ना, ज्यादा पावर लगता है ना, लेकिन अगर उसी को ऊपर से नीचे लटकाया जाए तो मेहनत कम लगती है। इसीलिए क्या करते हैं, ये वाला जो पाइप होती है ये ऊपर से गैस को इन करवाते हैं। देखिए ये कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में लगा दिया जाएगा, यानी कंप्रेसर को अगर ऑन किया गया, मतलब चालू किया गया, ये क्या करेगा, गैस को सक्शन लाइन से क्या करेगा, खींचेगा, गैस को सक्शन लाइन से खींचेगा, डिस्चार्ज लाइन से बाहर करेगा, डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल के गई इस कंडेंसर में, जो वाट डीप फ्रीजर में हमारे कंडेंसर लगता है, कौन सा है, फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर, यानी फिन्स और ट्यूब से मिलकर बना हुआ कंडेंसर। कापर एल्युमिनियम का बना होता है, इसकी जो पाइपें होती है ना वो कापर की होती है, इसके ऊपर ये जो फिन्स है ऐसे ऐसे ना वो एल्युमिनियम का बना होता है। अभी हम आपको कंडेंसर दिखाएंगे भी, कुछ में अंडरग्राउंड कंडेंसर भी होता है, ये भी ध्यान दीजिए, कुछ डीप फ्रीजरों में ये कंडेंसर भी अंदर होता है। जैसे फ्रिज होती है ना हमारी, फ्रिज के पीछे लोहे की जाली लगी होती है, हम उसको कंडेंसर बोलते हैं, वही कंडेंसर जो पीछे लोहे की जाली लगी होती है कुछ फ्रिजों में अंदर लगा होता है, मतलब वो जाली हमें दिखाई नहीं देती है पीछे से, तो वो अंडरग्राउंड कंडेंसर होता है। उसी प्रकार से फ्रीजर के अंदर भी कुछ फ्रीजरों में ये अंडरग्राउंड कंडेंसर होता है।
उसके बाद देखिए बात करें यहां से जब गैस निकलेगी ना कंडेंसर के आउटपुट से अब यहां से घूमने के बाद, तो यहां पे अगला पार्ट इसका लगेगा, क्या लगेगा, तीसरे पार्ट का क्या नाम है, फिल्टर। जो फिल्टर, फिल्टर का नाम से ही समझ में आ गया होगा कि क्या करता है फिल्टर का मतलब, ये छानता है मतलब ये शुद्ध करता है गैस को, फिल्टर करता है मतलब छानता है मतलब शुद्ध करता है। और फिल्टर गैस को जब छान के शुद्ध करता है, फिल्टर के अंदर सिलिकॉन की गोलियां लगी होती है और जो इसके अंदर फिल्टर लगा होता है वो लगा होता है माइक्रो स्टेनर फिल्टर। इसको हम बोलते हैं माइक्रो स्टेनर फिल्टर। हमारी फ्रिज में कौन सा फिल्टर लगता है, ड्रायर फिल्टर। एसी में कौन सा लगता है, स्टेनर फिल्टर। वाटर कूलर डीप फ्रीजर में कौन सा लगता है, माइक्रो स्टेनर फिल्टर। देखिए होता तो सब फिल्टर ही है, चेंजिंग थोड़ी बहुत होती है उसमें, साइज उसकी थोड़ी सी बड़ी और छोटी होती है, इससे कोई बात नहीं है। दूसरी बात, अगर किसी फिल्टर को किसी सिस्टम में लगा दिया जाए तो भी वो काम करेगा, किसी फिल्टर को किसी सिस्टम में लगा दिया जाए तो भी वो काम करेगा। ये फिल्टर का कार्य सिर्फ छानना है, उसको शुद्ध करना है, ये गैस को छानकर शुद्ध कर देगा। उसके बाद गैस यहां से निकल के जाएगी कहां जाएगी, कैपिलरी ट्यूब में, कहां जाएगी, कैपिलरी ट्यूब में। और कैपिलरी ट्यूब के बाद गैस जाएगी तो एवापोरेटर में। देखिए हम यहां से एवापोरेटर बना रहे हैं, ठीक है, यहां से ये कैपिलरी ट्यूब की पाइप को हमने इसे 2-3 राउंड मोड़ दिया यहां पे, और इसके बाद एवापोरेटर में। एवापोरेटर कहां होता है, पूरा जो फ्रीजर की बॉडी होती है ना ऐसे, मतलब खोलेंगे तो ऐसे बक्सा की तरह दिखता है ना, जिसमें हम सामान भरते हैं, उसकी जो ये किनारे किनारे के चारों तरफ बॉडी होती है वो उसका एवापोरेटर होता है। और सारे में ऐसे ऐसे अंडरग्राउंड में इसमें पाइपें घूमी रहती हैं, अब बाहर स्टील की एक चद्दर लगी होती है। स्टील में क्या क्वालिटी होती है जानते हैं, हल्का सा कूलिंग पाने पे जल्दी ठंडा भी होना, हल्का सा गर्मी पाने पे जल्दी गर्म भी होना, कभी कभी एल्यूमिनियम की भी लगी होती है। तो देखिए यहां पर क्या होता है, ये एवापोरेटर जाता है इसके पूरे अंदर अंदर ग्राउंड में, इसको घूमता है। देखिए ये पाइपें ही होती हैं, इसमें गैस का संचार होता है। तो देखिए ये इस प्रकार से कुछ घूमता है, ये हमारा एवापोरेटर की पाइपें हो गई। और यहां से घूमने के बाद लास्ट में क्या होता है, यही पाइपें घूम घूम करके क्या होती हैं, बाहर निकल जाती हैं। देखिए ये पाइप यहां से बाहर निकल गई और यही वाली पाइप ले आ करके फिर क्या करते हैं, सक्शन लाइन में जुड़ गई होती है। जिस प्रकार से हमारे फ्रिज या वाटर कूलर के संपूर्ण मैकेनिकल भाग काम करते हैं, उसी प्रकार से इसके भी काम करते हैं। ये कंप्रेसर कौन सा है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इसका नाम होता है। कौन सा है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इस कंप्रेसर का नाम है। और देखिए ये नाम में कुछ नहीं रखा है, साइज की बात है, अगर साइज बड़ी होती तो इसका नाम क्या होता है, सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर, इसका नाम हो जाता है सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर, ठीक है। ये जो कंडेंसर है, देखिए कंडेंसर फैन भी इसमें एक और पार्ट लगा होता है, ये कंडेंसर को ठंडा करने के लिए लगा होता है, यानी जब फ्रीजर कार्य कर रहा होता है तो वो ज्यादा बड़े स्थान को ठंडा करता है ना, ज्यादा सामान को ठंडा करता है ना, तो वो क्या होता है, ज्यादा गर्म होता है, तो उसको ठंडा करने के लिए इसके अंदर एक फैन का यूज किया जाता है। जो हमारा ये फैन होता है इसको हम बोलते हैं कंडेंसर फैन, मतलब कंडेंसर को ठंडा करने वाला फैन कंडेंसर फैन के नाम से जाना जाता है। ये हमारा हो गया कंडेंसर फैन। और ये क्या है, क्या कौन सा कंडेंसर है, फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर, फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर, यानी फिन्स ट्यूब, फिन्स और ट्यूब से मिलकर बना हुआ कंडेंसर फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर कहलाता है। उसके बाद ये क्या है, फिल्टर। कौन सा फिल्टर है, माइक्रो स्टेनर फिल्टर है। कौन सा है, माइक्रो स्टेनर फिल्टर, माइक्रो स्टेनर फिल्टर, माइक्रो स्टेनर फिल्टर, ये हमारा फिल्टर है, माइक्रो स्टेनर। और ये जो कैपिलरी ट्यूब होती है उसकी भी एक क्वालिटी है, कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब का कार्य क्या होता है, रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करना। कैपिलरी, रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करने का मतलब, जब फिल्टर से गैस निकल के जाती है ना, ये कैपिलरी ट्यूब में गैस तेजी से जा रही होती है ना, ये पाइप बहुत पतली होती है और इतना पतली होती है कि गैस अब उसमें से क्या होगी, स्लो मोशन में जाएगी, धीरे धीरे जाएगी, थोड़ी थोड़ी करके जाएगी। तो ये क्या करती है, रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करती है, मतलब गैस के प्रेशर को कंट्रोल करके आगे भेजती है। उसके बाद गैस जाता है एवापोरेटर में, और एवापोरेटर क्या करता है, एवापोरेटर किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींच कर वहां पे अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देता है, जिससे वहां की वस्तु या स्थान ठंडी हो जाती है। मतलब किसी वस्तु, मतलब कोई सामान हो या किसी स्थान यानी किसी जगह की गर्मी को अपनी तरफ खींचता है और वहां पे अपना कूलिंग का मतलब ठंडक का प्रभाव छोड़ देता है, जिससे वहां की वस्तु या स्थान ठंडी हो जाती है और फिर से गैस आती है सक्शन लाइन में, और यही क्रियाएं बार बार होती रहती है। तो यह रहा हमारे वाटर कूलर का संपूर्ण मैकेनिकल भाग। यह एवापोरेटर कौन सा होता है, क्वाइल टाइप होता है। यह एवापोरेटर कभी-कभी लीकेज होने की इसमें संभावना बहुत ज्यादा होती है, जोड़ने पे भी जल्दी नहीं जुड़ता है, तो इसको अलग से पाइपिंग भी किया जाता है। अलग से पाइपिंग करने का मतलब समझते हैं, थोड़ी महंगा पड़ता है, अलग से कॉपर की पाइप लेके और जो बक्सा की तरह दिख रहा है ना खोल के, किनारे 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 लगा दिया जाता है, तो अलग से इसमें पाइपिंग भी किया जा सकता है और किया जाता भी है। तो इस प्रकार से यह मैकेनिकल सिस्टम काम करते हैं। अब बात करें इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इसमें क्या क्या होते हैं, देखिए
कंप्रेसर एक ऐसा भाग है जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों है, तो कंप्रेसर भी इलेक्ट्रिकल भाग एक हो गया, एक भाग इलेक्ट्रिकल इसमें है, ये एक पंखा लगा हुआ है, ये जो फैन है किस लिए लगा है, ये कंडेंसर फैन है, कंडेंसर को ठंडा करने के लिए लगा होता है, इसके अंदर थर्मोस्टेट भी लगा होता है जो कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है, मतलब अगर फ्रीजर चलते चलते आवश्यकता से अधिक ठंडा होता है ऑटोमेटिक सप्लाई को कट करेगा, ऑटोमेटिक तरीके से बंद होगा जिससे हमारा कूलिंग कंट्रोल किया जा सकता है, तो मतलब क्या हुआ थर्मोस्टेट कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए इसमें लगाया जाता है। यानी देखिए क्या क्या लगाया जाता है हम आपको दिखाते हैं, इसको मिटा देते हैं, अगर आप बनाना चाहे तो वीडियो को यहां पर रोक करके इसको बना लीजिए, बाकी हम इसको मिटा देते हैं ठीक है। और हम इलेक्ट्रिकल भागों को अब समझते हैं कि इसके जो इलेक्ट्रिकल भाग हैं वो कौन-कौन से हैं और कैसे वो कार्य करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो इसके अंदर क्या क्या होगा, एक तो हो जाएगा सबसे महत्वपूर्ण हमारा कंप्रेसर, कंप्रेसर हो जाएगा, दूसरा कंप्रेसर को चालू करने के लिए इसके अंदर करंट रिले भी लगा होगा, करंट रिले लगा होगा, और इसके अलावा देखिए वोल्टेज रिले इसमें भी लग सकता है, जिस प्रकार से हमने वाटर कूलर बताया था सेम वही पोजिशन है। और इसके अलावा तीसरे नंबर पर हम इसमें फैन रख देते हैं जो कि हमारा कंडेंसर फैन होगा, चौथे नंबर पर रख देते हैं हम थर्मोस्टेट जो कि हमारा कूलिंग को कंट्रोल करने का काम करेगा, और पांचवें नंबर पर हम रख देते हैं ओएलपी मतलब हीटिंग को कंट्रोल करने का कार्य करेगा। ये बस लगभग इतने इलेक्ट्रिक भाग है। छठवां भाग में हम रख देते हैं एक और भाग होता है इंडिकेटर, इंडिकेटर 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 भी लगा होता है इसमें जो संकेत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इंडिकेटर नाम से ही समझ में आता है ना, संकेत करने का कार्य करता है कि लाइट है कि नहीं है और फ्रीजर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये हमारा बताता है कौन इंडिकेटर। अच्छा बात करते हैं चलिए एक-एक पार्टों को। सबसे पहला भाग हमारा क्या है, कंप्रेसर। कंप्रेसर का कार्य गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना होता है, बस ना, कंप्रेसर का कार्य गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना होता है। अच्छा कंप्रेसर में तीन पिने होते हैं, कामा रनिंग स्टार्टिंग, जिस प्रकार से टोटल फ्रिज में समझे सेम कंडीशन। उसके बाद करंट रिले, करंट रिले क्या होता है, देखिए करंट रिले जो होता है ना, ये हमारा करंट रिले ये कंप्रेसर को चालू करने के लिए होता है, जिस प्रकार से फ्रिज का करंट रिले सेम कंडीशन है उसमें भी। अच्छा अगर हम बना करके दिखाते हैं आपको, सबसे पहले देखिए कंप्रेसर, यहाँ पे हम कंप्रेसर बना दिया हमने, अच्छा थोड़ा ऊपर करके बनाते हैं, शायद अभी डायग्राम में दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो दिखेगा नहीं। कंप्रेसर को छोटी साइज में बनाते हैं, ये हमारा हो गया कंप्रेसर। कंप्रेसर की तीन पिने हैं, कॉमन है, रनिंग है, स्टार्टिंग है, रिले चाहे हम कोई भी लगा सकते हैं, तो चलिए हम इसमें ओपन टाइप रिले को लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे ओपन टाइप रिले हमने लगा दिया, ये ओपन टाइप रिले का इधर हमने पोल पॉइंट बना दिया, पोल पॉइंट का मतलब जिसमें हम सप्लाई देंगे उसे हम पोल पॉइंट बोलते हैं। इसके अलावा ये हम यहाँ पे लगा देते हैं क्या, ओएलपी, ओएलपी मतलब ओवरलोड प्रोटेक्टर, मतलब ये हो गया हमारा ओएलपी हीटिंग को कंट्रोल करने वाला। करंट रिले लगा दिया हमने, कंप्रेसर हो गया, फैन लगाना, एक फैन भी लगाता है इसमें, ये जो हम फैन लगा दे रहे हैं, और ये फैन क्या कार्य करता है, कंडेंसर फैन होता है, कंडेंसर को ठंडा करने के लिए कंडेंसर फैन लगाया जाता है। और इसके अलावा क्या लगता है इसमें, थर्मोस्टेट लगता है, ये जो थर्मोस्टेट होता है ना ये कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए लगता है, मतलब अगर हमारा डिफ्रीजर चलते चलते आवश्यकता से अधिक ठंडा करता है तो ऑटोमेटिक तरीके से सप्लाई को कट कर देगा। इसके अलावा और क्या लगता है, ओएलपी यहां पर हो गया, इंडिकेटर बचा, इंडिकेटर भी इसमें लगा देते हैं हम, दो इंडिकेटर लगा देते हैं, रेड कलर और ग्रीन कलर, यहां पे देखिए हमने रेड कलर लगा दिया, यहां पे ग्रीन कलर लगा दिया। अब रेड कलर इंडिकेटर ये संकेत करेगा कि इसमें पावर आ रही है कि नहीं आ रही है, और ग्रीन कलर इंडिकेटर हमारा ये संकेत करेगा कि कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कनेक्शन की बात करें तो ये हमारा न्यूट्रल हो गया और फेस हो गया, और अगर हम इसको जोड़े न्यूट्रल के वायर को, तो सबसे पहले देखिए हमारा ये न्यूट्रल का वायर है, सबसे पहले ये हमारा न्यूट्रल का वायर है, और इसको न्यूट्रल के वायर को कहां कहां ले जाएंगे, सबसे पहले देखिए हम इसी रेड कलर से जोड़ देते हैं न्यूट्रल के वायर को, देखिए इंटीग्रेटर के एक पॉइंट में, और दोनों इंटीग्रेटरों के एक एक पॉइंट में जोड़ देते हैं। यही न्यूट्रल हमारा देखिए ओएलपी में भी जाएगा, ओएलपी यानी ओवरलोड प्रोटेक्टर, और कंप्रेसर के कॉमन में जोड़ देंगे। ये न्यूट्रल हमारा फैन में भी जाएगा, बस न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। फेस की बात है, समझ पाए ना, ये न्यूट्रल इंटीग्रेटर के एक पॉइंट में है और दूसरे इंटीग्रेटर के भी पॉइंट में है, और ओएलपी से होते हुए कॉमन में पहुंच गया और फैन मोटर के एक पॉइंट में, न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट। फेस की बात करें तो फेस सबसे पहले देखिए हमारे रेड, ये पहला इंटीग्रेटर जो हमारा ये रेड है और दूसरा जो हमारा है वो ग्रीन है, ठीक है। तो रेड इंटीग्रेटर में डायरेक्ट गया, मतलब अब ये बता देगा कि इसमें पावर आ रही कि नहीं आ रही है। दूसरी बात, यहां से उठा करके लेके जाएंगे सबसे पहले थर्मोस्टेट में, और थर्मोस्टेट से आउट कराने के बाद देंगे ग्रीन इंटीग्रेटर में, मतलब अगर ये सप्लाई को आउट करेगा तब ग्रीन इंटीग्रेटर जलेगा, और यही वाली सप्लाई जो है ना ग्रीन इंटीग्रेटर में जो आया थर्मोस्टेट का आउटपुट, वही लेकर के आएंगे रिले के ओएलपी में, ये अपने रिले के पोल पॉइंट में। और यहां से अब तो ये रनिंग से स्टार्टिंग में लगा होगा, इसके अंदर प्लंजर नाम की पत्ती लगी होती है ना रिले में, जो रनिंग से स्टार्टिंग में शॉट मारने का कार्य करती है। इसके अलावा देखिए ये हमारा है, ये हमारा फैन है, तो इसको भी हम इसी में जोड़ देंगे, यानी कंप्रेसर चलेगा तभी पंखा चलेगा तभी ग्रीन इंटीग्रेटर चलेगा, ये तीनों चलेंगे तो एक साथ चलेंगे। अगर थर्मोस्टेट सप्लाई को कट कर देता है तो ये तीनों बंद हो जाएंगे, लेकिन अगर ओएलपी सप्लाई को कट करती है यानी ज्यादा हीट होने के कारण सप्लाई बंद होती है, तो ये फैन
चलता रहेगा, ग्रीन इंडिकेटर भी चलता रहेगा, लेकिन कंप्रेसर उस टाइम में नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से हम इसका कनेक्शन कर सकते हैं, इसकी वायरिंग भी कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं और प्रैक्टिकली समझते हैं कि इसके अंदर कहां पे ऑपरेटर, कहां पे कंप्रेसर है, कहां पे कंडेंसर है, कौन कौन से पार्ट कहां पे हैं। तो देखिए ये हमारा डिफ्रीजर है और ये डिफ्रीजर कंप्लीट हमारा, ये डिफ्रीजर देखिए छोटी साइज में है, कितने लीटर वगैरह का होगा इस पे लिखा होगा, पीछे इसके डायग्राम भी लगा होता है हर डिफ्रीजर के। तो इसके सिस्टम को अगर हम बात करें, देखिए इसमें क्या क्या लगा हुआ है। सबसे पहले देखिए इधर भी कुछ चिपकाया गया था और ये लग रहा है किसी जहां से आया उनके बारे में कुछ चिपकाया गया था। और अगर इसके बात करें कि इसके जो पार्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल, वो देखिए सब एक जगह होते हैं। यहां पे एक कवर लगा होता है जालीदार प्लास्टिक का लगा होता है, जाली उसमें होती है, मतलब हवा भी इसमें अंदर जा सके, यहां पे लगा होता है। और अगर ये फ्रीजर कंप्रेसर की बात करें, यहां पे क्या क्या दिखाई दे रहा है हमको, तो देख सकते हैं कि इसके अंदर ये हमारा कंप्रेसर, देखिए एलजी का कंप्रेसर है ये, और एलजी कंपनी का है, देख पाएंगे ये कंप्रेसर हमारा है MA57 नंबर का, और LBEG ये 57 नंबर का हमारा कंप्रेसर है एलजी कंपनी का। और ये जो कंप्रेसर है देखिए नॉर्मल कंप्रेसर है, यानी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, और इसके अंदर जो रिले वगैरह भी लगा है वो भी देख सकते हैं। यहां पे जो फ्रिज में लगने वाला नॉर्मल रिले हमारा वही है, ये OLP अभी लगा हुआ है इसमें, ओवरलोड प्रोटेक्टर, और रिले तो अभी इसमें लगा नहीं है, ये है इसका रिले देखिए यहाँ पे। तो ये इसका जो रिले है देखिए ये PTC रिले है, इसमें तार जोड़ने के लिए देख पाएंगे कि दो पॉइंट दिया गया है, तो दो पॉइंट हो चाहे तीन पॉइंट हो चाहे चार पॉइंट हो, कोई भी इसमें जोड़ सकते हैं। और इसको लगाने के बाद दाहिने साइड में फेस की सप्लाई दिया जाता है, और जो न्यूट्रल हमारा है वो इस OLP में जोड़ दिया जाता है, और जो मेन लीड की सप्लाई देखिए यहाँ पे है। तो अगर इसके लाइनों की बात करें, सबसे पहले हम इसके मैकेनिकल सिस्टम को समझते हैं, इलेक्ट्रिकल को अभी हम समझेंगे। मैकेनिकल का मतलब कंप्रेसर में तीन लाइनें होती है, आपको तीनों लाइनें दिख रही होंगी, देखिए एक लाइन इधर है और दो लाइनें यहाँ पे है, दो लाइन एक इधर और एक अंदर है। और ये जो लाइन घूम के आई है देखिए यहां पे NRB लगा हुआ है, मतलब ये इसकी चार्जिंग लाइन है, मतलब जिसमें हम गैस या ऑयल चार्ज करेंगे, ये चार्जिंग लाइन है। और ये वाली जो लाइन होगी या तो सक्शन लाइन होगी या तो डिस्चार्ज लाइन होगी, तो जो लाइन कंडेंसर से जुड़ी होगी वो डिस्चार्ज लाइन होगी, और जो एवापोरेटर से जुड़ी होगी वो सक्शन लाइन होगी। और यहां पे देख सकते हैं इसका जो कंडेंसर है वो अंडरग्राउंड है, इसका जो कंडेंसर है वो अंडरग्राउंड है, मतलब अगर कंडेंसर इसका बाहर होता तो यहीं पे दिखाई देता, यहां पे कंडेंसर भी दिखाई देता और उसका फैन भी दिखाई देता। और फ्रीजर का वीडियो हमने पहले बनाया और उस फ्रीजर वाले में दूसरे वाला जो फ्रीजर था उसमें ये दिखाई दे रहा था, लेकिन इसमें अंडरग्राउंड है। ये जो फ्रीजर है ना जब कार्य करता है तो इसकी जो बॉडी बाहर से थोड़ी थोड़ी गर्म होती है, यानी कि इसका जो कंडेंसर है वो अंडरग्राउंड है। तो देखिए अंडरग्राउंड जब कंडेंसर होता है ना तो उसमें एक और अच्छाई बात होती है कि वो कंडेंसर जल्दी खराब भी नहीं होता यार। और इसके अलावा थर्मोस्टेट की बात करें तो देखिए ये थर्मोस्टेट इसका लगा हुआ था यहाँ पर ऐसे, और इसके अंदर देखिए पावर की बटन यानी रेड इंडिकेटर इसमें से लगी हुई थी, यहाँ पर रेड इंडिकेटर जो पावर के दिखाते थे कि इसमें पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसके अलावा इसमें और क्या क्या दिखाते हैं, ये कंप्रेसर हो गया हमारा, कंप्रेसर के नीचे जो रबड़ लगता है उसको हम ग्रोमेट बोलते हैं, कभी कभी फ्रीजर का कंप्रेसर चलते हुए बहुत आवाज करे ना तो समझिए ग्रोमेट रबड़ खराब है। और अगर करें तो देखिए जिसमें कंडेंसर से जब पाइप आती है तो अगला पार्ट हमारा होता है फिल्टर। ये जो फिल्टर देख रहे हैं देखिए कुछ साइज में कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है ना, यही फिल्टर होता है माइक्रो स्टेनर फिल्टर। ये जो फिल्टर है वो माइक्रो स्टेनर फिल्टर यहां पर प्रयोग किया गया है। और फिल्टर के बाद हमारी कैपिलरी ट्यूब है, और कैपिलरी ट्यूब जिस पाइप में गई होगी वो जाएगा हमारा कहां पे, एवापोरेटर में। देखिए कैपिलरी ट्यूब जहां पे गई होगी वो जाएगा हमारा एवापोरेटर में, देखिए ये वाला पाइप यानी एवापोरेटर में जा रही है, और एवापोरेटर से ये दूसरी पाइप देखिए ठीक नीचे यहां से वापस आ रही है, और यहां से आकर के इसके सक्शन लाइन में जुड़ी, मतलब ये हुआ कि ये सक्शन लाइन है और इधर वाली पाइप जो है वो डिस्चार्ज लाइन है। और सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन की एक और पहचान हमने बताया था कि जो डिस्चार्ज लाइन की पाइप होती है वो पतली होती है और जो सक्शन लाइन होती है वो मोटी होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पाइप है वो पतली है और जो सक्शन लाइन है वो मोटी है। तो इस प्रकार से हमारा ये सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और चार्जिंग लाइन, और ये फिल्टर के बाद हमारी कैपिलरी ट्यूब जो इसमें यूज किया जाता है उसकी जो लंबाई होती है वो 30 से 36 इंच होती है, 30 से 36 इंच या तो 4 से 6 फीट भी यूज किया जाता है, यानी कि डिफ्रीजर में प्रयोग होने वाली कैपिलरी ट्यूब की लंबाई 4 से 6 फीट होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके फ्रीजर को दिखाते हैं आपको, इसके जैसे फ्रीजर को देखिए ये थोड़ा सा खराब सा फ्रीजर पड़ा हुआ है, और इसके अंदर देखते हैं ये देखिए इसके ऊपर वाली बॉडी है कुछ इस तरह से, और इसको अभी हमने कुछ किया नहीं, इसका हम यूज नहीं करते हैं, तो यहां पे प्रैक्टिकल करने के लिए बस रखा हुआ है। और ये जो सारी चीजें देखिए इसकी बॉडी वगैरह ऐसी है, अब ये जो बॉडी देख रहे हैं इसी के अंदर इसका एवापोरेटर होता है, अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए, और यहां पे देखेंगे ये थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ भाग होता है ना, तो ये हर फ्रीजर में होता है। तो ये उठा क्यों होता है, क्योंकि इसी के नीचे तो कंप्रेसर कंडेंसर फैन वगैरह इसका सारा कुछ लगा होता है, तो हर फ्रीजर में ऐसा बना होगा कि एक साइड में ऐसे थोड़ा सा उठा होगा। तो यहां पे हो गया
अच्छा, इसके अलावा देखिए ये हमारा नीचे का भाग कुछ ऐसा खराब हो रहा है, और ये देखिए इसकी बॉडी, ये इसकी बॉडी है, और इसके अलावा देखिए ये इसका स्टील का पॉइंट है जो टूट रहा है, और इसके अंदर देखेंगे तो ये पाइपें हैं, देखिए ये पाइपें हैं, देखिए ये पाइपें हैं। जब पाइप कहीं लीकेज हो जाती है ना तो इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आती है। फ्रीजर में अगर जब लीकेज होता है तो बहुत परेशानी होती है उसको ढूंढने में। देखिए इस प्रकार से कुछ हमें तोड़ तोड़ करके भी उसको सही करना पड़ता है। ये जो हरे का ये देख रहे हैं ना, ये थर्माकोल होता है जो अंदर के टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने देता। देखिए ये थर्माकोल, थर्माकोल मतलब समझते हैं, जैसे जब कुछ कोई चीज हम नई खरीद के लाते हैं, टीवी भी तो साइड में लगा होता है ना, ये वो होता है थर्माकोल। यहां पर देखिए ये थर्माकोल, और इसके अलावा ये मजबूत बॉडी है, और यहां पे देखिए एक सुराख भी बना हुआ है जो पानी वगैरह अगर इसमें ज्यादा मतलब बर्फ जमने से हो रहा है तो वो यहां से बाहर निकलने के लिए है। और ये जो सारे पार्ट है देखिए, पानी यहाँ से होकर के यहाँ से बाहर निकलता है, देखिए यहाँ पे इसका रास्ता बना हुआ है, दूसरा यहाँ से बाहर निकलता है और वहाँ से अंदर जाएगा और इस साइड से बाहर निकलेगा। तो ये इसके अंदर की बॉडी हो गई, कुछ नहीं है इसमें। और एवापरेटर तो आपने देख लिया इसका, एवापरेटर ये जो पूरी बॉडी होती है किनारे किनारे ना, ये पूरा का पूरा एवापरेटर ही होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो डिफ्रीजर है वो कार्य करता है, और डिफ्रीजर के संपूर्ण भाग भी इसी प्रकार से कार्य करते हैं। इसमें कुछ भी नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, सब कुछ ये नॉर्मल है। अब ये रिले वगैरह, कंप्रेसर, वायरिंग, सब कुछ जो हमारी फ्रिज वाला था सेम वही है, और इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। तो इस प्रकार से अच्छा, इसके पीछे का अगर हम स्टिकर दिखाने की बात करें तो ये कितने बड़े साइज का है। तो देखिए इसके पीछे इसकी वायरिंग भी है, और इसमें देखते हैं क्या क्या लिखा है। देखिए 220 वोल्ट लिखा है, 50 हर्ट्ज लिखा है, 0.866 एम्पियर है ये रेटेड करंट, यानी इतनी लाइट लेगा ये, ठीक है, एनर्जी। और ये क्या लिखा, 1.22 किलोवाट प्रति घंटा है ना, 24 हावर्स प्रति 24 हावर्स है ना, 24 घंटे में इतना लाइट लेगा ये किलोवाट का। इसमें गैस कौन सी भरी जाएगी, देखिए लिखा है रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट कौन सी है, R134A, यानी जो फ्रिज में भरी जाने वाली गैस है वही गैस इसमें भरी जाएगी। कितना भरी जाएगी, 105 ग्राम, यानी कि 105 ग्राम इसमें गैस भरी जाएगी, ठीक है। और इसका जो पूरा वेट है वो 41 kg है, यानी इस पूरे फ्रीजर का जो वेट है 41 किलोग्राम है। और इसका जो वायरिंग है ये देखिए पूरा यहाँ पे बना हुआ है, वायरिंग डायग्राम के हिसाब से पूरा बना। देखिए पावर लैंप यानी जो इंटीग्रेटर है, थर्मोस्टेट यहाँ पे लगा हुआ है, ओवरलोड यहाँ पे लगा हुआ है, कंप्रेसर है, और रिले है, कंप्रेसर, ओवरलोड, यहाँ पे ये तीनों चीज़ एक साइड में है, थर्मोस्टेट है यहाँ पे, पावर लैंप यानी इंटीग्रेटर है, और ये न्यूट्रल फेस और बॉडी अर्थ। तो ये जो सारे पार्ट है देखिए हमारा कुछ इस प्रकार से है। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसका कनेक्शन बना सकते हैं, इसकी वायरिंग भी कर सकते हैं। बाकी हमने डायग्राम पे वायरिंग आपको बना के दिखाई दिया, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से हम इसका काम कर सकते हैं। और जिस प्रकार से अगर हम फ्रिज बनाना सीख लिए तो वाटर कूलर और डिफ्रीजर में कुछ भी नहीं बचता है, यानी वो बढ़िया तरीके से काम करवा लेते हैं, बढ़िया तरीके से हम कर सकते हैं कुछ भी। तो किसी भी प्रकार का अगर फ्रीजर से रिलेटेड सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके नीचे बताइएगा। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।